साल 2020 में पूरे विश्व में एक वायरस का इन्फेक्शन फैला था। ये इन्फेक्शन इतना फैला कि बहुत सारे लोग इससे मरने लगे। लोगों की जान बचाने के लिए सारे देशों ने 31 दिन तक का लॉकडाउन जारी किया। भागती दौड़ती ट्रेनें, भागते दौड़ते लोग एक झटके में रुक गए। सारे देशों की आर्थिक परिस्थितियाँ गड़बड़ा गईं। पर यह लॉकडाउन जहाँ कई लोगों के लिए बुरा साबित हुआ, तो कई लोगों के लिए अच्छा भी साबित हुआ। कई लोगों की दुर्दशा हुई तो कई लोगों की अकल ठिकाने आई। कई लोगों की किस्मत खुली तो कई लोगों की बनी हुई किस्मत मिट्टी में मिल गई। ऐसी ही घटनाओं की श्रृंखला है लॉकडाउन। इंसान जिस चीज़ पर ज़्यादा गुरूर करता है, एक दिन वही चीज़ उसकी दुर्दशा का कारण बन जाती है। ये हम सभी जानते हैं, पर जानना कोई बड़ी बात नहीं, ज़रूरी है इन पर अमल करना। देखो दोस्त, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे उसमें कोई पैसा नहीं दिख रहा। तुमने उसमें कितनी मेहनत की है, कितना समय बिताया है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है पैसे से, क्योंकि तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि रजत वहीं है जहाँ पैसा है, और जहाँ पैसा है वहीं रजत है। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से मुझे एक पैसा भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्लीज़ दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, फ़ोन रखो। सर, शहरों में सुना है सिंटो वायरस नाम की बीमारी फैल रही है। उसमें 2 घंटे में आदमी ख़त्म हो जाता है। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। क्या हुआ सर? एक गरीब आदमी बीच में आ गया है सर। बेटा, कम से कम गाड़ी देख के चलाया करो। देखो दोस्त, ऐसा है, ये गाड़ी रोज इस रास्ते से 8 बजे इसी स्पीड से निकलती है, और अगर इस बात की जानकारी तुम्हें नहीं है तो ये गलती तुम्हारी है यार, मेरी नहीं है। चलो ड्राइवर। देखिए सर, मेरे हिसाब से आपको उस गरीब आदमी को पैसे दे देने चाहिए थे। देखो दोस्त, ये जो पैसा है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। पैसा वहीं खर्च करो जहाँ से ये वापस आए। वो आदमी जो गरीब है, वो उसकी किस्मत है। आज मैं अमीर हूँ, ये मेरी किस्मत है, तो मैं उसकी वजह से अपनी किस्मत क्यों खराब करूँ? पैसा जितना ज़्यादा होता है ना, जिम्मेदारी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज मेरे पास पैसा है, मुझे बहुत कुछ करना है। गाड़ियाँ खरीदनी है, बंगले खरीदने हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए। जब इतना सब कुछ मुझे करना है तो पैसों को ऐसे कैसे खर्च कर दूं? ड्राइवर थोड़ा जल्दी चलो, मीटिंग थोड़ा अर्जेंट है। Money is a fever, money is a power, money is a fear, money is a fever, money is a power, money is a fear. Money is a fever, money is a power, money is a fear. मॉर्निंग साची। आओ रजत बैठो। तेरा रात का मैसेज पढ़ा, अभी मैंने काम भी शुरू नहीं किया और मैं सीधा तेरे केबिन में आ गया। अब काम शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? सेंटो वायरस का नाम तुमने सुना ही होगा। हाँ सुना है मैंने अपने ड्राइवर से। ये बीमारी
पूरे देश विदेश में बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे बचने के लिए भारत सरकार ने अगले 31 दिन तक हमारे देश को लॉकडाउन करने की बात कही है। व्हाट? हाँ, 31 दिन तक सारे ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, सारे बिजनेस सब बंद, और कुछ कह नहीं सकते। ये लॉकडाउन 2 या 3 महीने तक भी जा सकता है। एक मामूली सी बीमारी के लिए? मामूली बीमारी नहीं है ये, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये। एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलती है। आदमी ही नहीं, जरूरत की चीजें, मोबाइल, कार्ड, दरवाजे के हैंडल, किसी से भी। और एक बार की बीमारी लग गई तो तेज खांसी के साथ 2 घंटे में आदमी खत्म। अगर ये खाने पीने की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी तो खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा? सरकार के द्वारा जगह जगह पर बूथ लगाए जाएंगे, जो सिर्फ पर्टिकुलर समय तक खुलेंगे। वहाँ सारा जरूरत का सामान मिलेगा। आपको जाना है, लेके आना है और अपनी जिम्मेदारी पे आना है। जरा सी लापरवाही खत्म। तू क्या करने वाला है? देखो यार, ऐसा है कि ये बीमारी सब जगह फैलेगी, हर जगह, कोई नहीं बचेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम लोगों को मरना ही है तो यहाँ मरने से अच्छा है कि अपने घर के आंगन में मरा जाए। मैं डरपोक नहीं हूँ जो चूहे जैसे इधर उधर भागूं, और वैसे भी मुझे गांव में जाके सड़ना नहीं है। तू जा। मैं निकलता हूँ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तू जा, तू गांव निकल। चलो दोस्त, निकलता हूँ मैं, मिलते हैं फिर, जिंदा रहे तो। कौन, मैं या तुम? भगवान जाने। 2-3 महीने तक सब बंद, मतलब इनकम कुछ नहीं, सिर्फ खर्चा। सारी सेविंग धूल में जाएगी। नहीं, मैं एम्प्लॉयज के पैसे यूज करूंगा। कोई कुछ बोलेगा तो बोल दूंगा लॉकडाउन की वजह से कंपनी घाटे में। अपने सारे भरोसेमंद लोगों से उधार मांगूंगा, और वैसे भी कौन सा मैं उन्हें वापस करने वाला हूँ। पर अपनी सेविंग को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। लॉकडाउन मुझे तोड़ नहीं सकता। तो पहली शुरुआत करता हूं मैं अपने इस बहुत ईमानदार ड्राइवर से। तुम्हें खांसी है? नहीं सर, मुझे खांसी नहीं है। मेरी गाड़ी से उतरो पहले। ये तो धुएं से उठी है, मुझे वैसे कोई खांसी वासी नहीं है। पहले मेरी गाड़ी से उतरो। देखो, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, समझे? और वैसे भी इस बीमारी की वजह से 31 दिन तक सब लॉकडाउन होने वाला है, सब कुछ बंद हो जाएगा। गाड़ी घोड़ा, काम धंधा सब बंद। और फिर तुम्हें भी रखने से मुझे कोई फायदा नहीं, तुम्हें घर ही बैठना है। तो इससे अच्छा है कि तुम जाकर अपना डॉक्टर से इलाज कराओ, मैं घर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पैसे? अब भाई, ये बीमारी मुझसे तो नहीं हुई तुम्हें कि मैं तुम्हें इसके पैसे दूं? नहीं नहीं सर, इलाज के लिए नहीं, पिछले महीने के। अब तुम देखो, पहले ठीक होकर आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। सर, इस महीने का मेरा गुजारा कैसे चलेगा? अब भुगतना तो सभी को है, तुम्हें भी और मुझे भी। डरो मत, सब अच्छा होगा। जाता हूँ मैं।
रजत सिर्फ पैसे का है और किसी का नहीं, और पैसा सिर्फ रजत का है ऐसा रजत का मानना है। बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से आप सभी लोगों को निर्देश, सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। जरूरत का सामान लेने के लिए सिर्फ दिन में एक बार बाहर जाएं। जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने की कोशिश ना करें। बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। इस लॉकडाउन में हमारा सहयोग दें, धन्यवाद। अरे भाई तुम कितनी बार चक्कर लगाओगे, सारा सामान आज ही लेके जाओगे क्या? अब सारा तुम ही ले जाओगे तो मैं बाकी लोगों को क्या दूंगा? ए, जितना बोला उतना कर, पैसे दे रहा हूं ना मैं तुझे। ए, जरा बैग उठवाना। हाँ जी। अरे भाई अपने पैसे तो ले जाओ। हाँ हाँ। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। जल्दी करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जल्दी करो। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ऐसा मत करो, मुझ पे तरस खाओ। सुनो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। पैसे दूं मैं तुम्हें? पैसे? जिस पैसे के लिए रजत जाने कितने लोगों को बेइज्जत करता आया, जलील करता आया, आज वही पैसे उसकी मौत का कारण बन गए। रजत सिर्फ पैसे का है पर पैसा रजत का नहीं, पैसा किसी का भी नहीं। पैसा अमीर है, पैसा सुंदर है, पर पैसा अभद्र है, और ये बात इस लॉकडाउन ने साबित कर दी।